बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकेंड बायोलॉजी चैप्टर नंबर 20 के अंदर, सॉरी 24 के अंदर, एवोल्यूशन के अंदर आज हम इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो वट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स? सो इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को, मतलब विरासत, ठीक। और एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हासिल शुदा खसूसियात, ठीक है, मतलब हासिल शुदा खसूसियात की विरासत, ठीक है। मतलब ये इस पर मैं इसलिए ज़ोर डाल रहा हूँ क्योंकि ये आपकी जेनेटिक्स, सॉरी एवोल्यूशन का बेसिक है। मतलब यहाँ से मतलब आपको अगर इस चीज़ की समझ आए तो आपको एवोल्यूशन का आइडिया हो जाएगा। सो है कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, वो उसका इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ, लाइक इन्वायरमेंट उसके ऊपर क्या कर रहा होता है, इंटरेक्शन कर रहा होता है डायरेक्ट इन्वायरमेंट, सही। सो उस पर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस फॉर एग्जाम्पल पड़ती है कोई, लाइक इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की कंडीशन आती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। सो ऑर्गेनिज्म जो है उसके अगेंस्ट अडॉप्ट करता है, सही। और ये अडॉप्ट अगर हेरिडिटरी हो जाए, ठीक है, इस सम हाउ दिस अडॉप्टेशन जो है वो हेरिडिटरी से मुराद मतलब उसके DNA के अंदर उसकी लिंकेज हो जाए, मतलब DNA में उसकी चेंजिंग आ जाए, हेरिडिटरी हो जाए। सो उसे अब इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की बात करते हैं हम, कह लें कि एग्जाम्पल में क्या दें, फॉर एग्जाम्पल आपको जिराफे हैं, फॉर एग्जाम्पल जिराफे, सही, जिराफे के ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं हम, तो शॉर्टेज ऑफ ग्रास, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ ग्रास के मतलब घास ख़त्म हो जाती है नीचे से ज़मीन से, ठीक है। सो वो अडॉप्ट क्या करेंगे, दे स्टार्ट ईटिंग फ्रॉम, मतलब घास ख़त्म हो गई जाहिर बात है, वो कहाँ से खाएंगे, मतलब पौधों से, ठीक है, फ्रॉम ट्रीज़, ठीक है, इन दरख्तों से खाना शुरू करेंगे, सही। जब स्टार्ट ईटिंग फ्रॉम ट्रीज़ तो उनकी नेक क्या करेगी, इलोंगेट हो जाएगी। सो नेक की जो इलोंगेशन है बेसिकली इट इज़ अडॉप्टेशन, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ, सॉरी, शॉर्टेज ऑफ ग्रास जो है इट इज़ इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ ग्रास से इन्वायरमेंटल स्ट्रेस पड़ी तो ऑर्गेनिज्म जो कि जिराफी है, ठीक है, जिराफी यानी जिराफे की बात करें हम, सही, तो ऑर्गेनिज्म ने भी क्या किया, अडाप्टेशन में क्या है कि उसने मतलब चीज़ से खाना शुरू किया, उनकी नेक एलोंगेट हो गई, सही। और ये जो एलोंगेटेड नेक है ये उनके हेरिडिटी मतलब इनहेरिटेंस में मतलब वो इन्वॉल्व हो गए, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में भी ये कैरेक्टरिस्टिक जो सी हैं, खसूसियात जो सी हैं, वो ट्रांसफर होना शुरू हो गए, सही। सो मतलब दैट इज़ द इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म ने पहले कैरेक्टरिस्टिक यानी खसूसियात को हासिल किया इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता इनहेरिट करना शुरू कर दिया, मतलब अगली जनरेशन में उसे ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया, सही। हम इसी को एक डायग्राम की शक्ल में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास जिराफे है, से नीचे घास ख़त्म होगी, ठीक है, नीचे घास बिल्कुल ख़त्म होगी। सो उसने फिर दरख्तों से खाना शुरू किया, ठीक, और दरख्तों से खाते खाते उसने मतलब स्ट्रेस थी, मतलब गर्दन पे जोर डाला, ऐसा उसकी गर्दन बड़ी होगी, सही। तो इसे आप इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कह सकते हैं। और ये ड्रिवन बाय इनर नीड, मतलब उनको मतलब ज़रूरत थी, मतलब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस थी और ऐसा ऐसा उन्हें ज़रूरत पड़ी तो इसलिए उधर उन्होंने खाना शुरू कर दिया, सही। अच्छा, इस सारे प्रोसेस को जो मतलब साइंटिस्ट जिसने काम किया था वो डेट वाज लामार्क, ठीक है, लामार्क, जैसे जीन बैप्टिस्ट दी लामार्क भी कहते हैं, से जीन बैप्टिस्ट लामार्क। सो इस सारे फिनोमेना को लामार्किज्म की थ्योरी भी बास को कहते हैं, सही। अलबत्त इसने सबसे पहले एवोल्यूशन का या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का आइडिया दिया था, ठीक है, वो भी मतलब इसकी जो लाइफ स्पैन है 1744 to 1829, ठीक है, 1829 के अंदर इवन उस मतलब और 1809 के अंदर उसने ये चीज़ पब्लिश की थी।
सो 1809 के अंदर उसने लामार्क ने कहा था बेसिकली कि बॉडी के वो ऑर्गन, ठीक है, बॉडीज ऑर्गन यूज एक्सटेंसिवली, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो, ठीक है, इन इन एनवायरनमेंट कर लें कि माहौल के अंदर जिस ऑर्गन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो, ठीक है, इट इवॉल्व, ठीक है, इवॉल्व हो जाएगा, मतलब इट इवॉल्व बिग एंड कह सकते हैं कि मतलब बिग बन जाएगा, बिगर मतलब ज़्यादा मॉडिफाइड हो जाएगा, सही, एंड स्ट्रोंगर कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिग एंड स्ट्रोंगर, सही, इट इवॉल्व बिग एंड स्ट्रोंगर जब हम उसे एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे, एंड इनहेरिटेड, ठीक है, एंड कैन बी इनहेरिटेड कर लें कि मतलब ये जो से हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इनहेरिट हो सकते हैं, कैन बी इनहेरिटेड, सही, जिसकी एग्जांपल में जिराफी आ जाता, मतलब जो जिराफी थे उन्होंने अपने ऑर्गन्स कौन सा नेक का ज़्यादा इस्तेमाल किया, ज़्यादा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया एनवायरमेंट के अंदर, और फिर वो बिग और स्ट्रॉन्गर होते गए, और फिर आगे जाके वो इनहेरिट हो रही है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। उसने कहा था बेसिकली ये मतलब जो इनहेरिटेंस है, मतलब सिंगल जनरेशन की बात नहीं है, मतलब बहुत सी जनरेशन, मल्टीपल जनरेशन जो सी हैं, मतलब थाउजेंड ऑफ ईयर्स के अंदर ये जो सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आगे ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक। एक और एग्जांपल थी कि फॉर एग्जांपल जो होता है लोहार, ठीक है, जिसे आप आयरन मैन भी कह सकते हैं, या बल्कि उसे ब्लैक स्मिथ कहते हैं हम, ठीक है, नहीं ब्लैक स्मिथ जिसे आप लोहार कहते हो, सही। लोहार ने बेसिकली क्या करना होता है कि मतलब वो लोहे की चीज़ें बनाता है भट्टी के अंदर, हथौड़े से उसने मतलब जो भी लोहे का सामान है वो बनाता है, सही। ब्लैक स्मिथ का जो आर्म होता है, आर्म इज कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है, आर्म के अंदर ख़ास तौर पर जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, बाइसेप एंड ट्राइसेप्स स्ट्रांग होते हैं, और स्ट्रांग क्यों होते हैं, क्योंकि उसकी वर्क की वजह से, ड्यू टू हिज वर्क, ठीक है, मतलब जो काम कर रहा होता है उससे उसके बाजू मजबूत हो जाते हैं, बाइसेप ट्राइसेप, लेकिन ये जो मजबूती है बाजू की वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होती, ठीक। इसकी मतलब रीज़न उसने इस तरह दी कि मतलब एक्चुअली जो कोई भी अडाप्टेशन है उसको ट्रांसफ़र, मतलब ड्यू टू हिज वर्क डू नॉट ट्रांसफ़र, मैं लिख देता हूँ, डू नॉट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट जनरेशन, सही। उसकी रीजन इसने दी कि यार जो मतलब अडाप्टेशंस हैं, जिस तरह ये आर्म इज स्ट्रांग, ये अडाप्टेशन है, इसको ट्रांसफ़र होने के लिए बहुत सी जनरेशन्स लगती हैं, लाइक देर बी थाउजेंड ऑफ जनरेशन, जिसके बाद जो सा ये करेक्टर जो सी है वो उनके मतलब उसके अंदर पास आउट हो सकेगी, लेकिन ऐसा ऐसा जेनेटिकली मुमकिन नहीं है, ठीक है, जब उन दिनों में बेसिकली जेनेटिक्स नहीं थी, मतलब हमें डीएनए का नहीं पता था, बेसिकली आर्म जो स्ट्रांग है इसका कोई ना कोई पीछे जीन हो, और जीन जो सा है वो हमारे डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो, डीएनए या फिर क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है, और क्रोमोसोम के अंदर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के ज़रिए, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के ज़रिए वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो, लेकिन एज सच स्ट्रांग आर्म स्ट्रांग होने का कोई जीन, सिंगल जीन नहीं है। इसका मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से एक्वायर करते हैं, अगर जब तक उसका जेनेटिक लिंक नहीं होगा वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये चीज़ उसकी कह लेंगे थ्योरी के अगेंस्ट जा रही थी कि मतलब हाउ एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो है वो किस तरह जीन्स, मतलब देर शुड बी अल्ट्रेशन ऑफ जीन्स, जीन्स की अल्ट्रेशन होगी उसके बाद आगे जाके वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इनहेरिट होंगे, सही। आगे जाके हम डार्विन का बात, डार्विन चार्ल्स डार्विन जो है जिसको मतलब एवोल्यूशन का बाप भी कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ, या फादर ऑफ एवोल्यूशन, तो उसके बारे में बात करेंगे, तो उसने इसी से सिमिलर आइडिया पेश किया, बट थोड़ी सी उसमें चेंजिंग की थी, और वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल उसका आइडिया था, ठीक है, मतलब उसने काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस किए थे, हम आगे अगले लेक्चर के अंदर उसके बात करेंगे, सही। अलबत्त जो लामार्क के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा वो यही लगा कि मतलब जो अडाप्टेशन इट शुड बी जेनेटिक, सो इट कैन बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, के मतलब अगली ट्रांसफर अगली जनरेशन में जाने के लिए उनका जो
अडाप्टेशन वो जेनेटिक लिंक होना चाहिए, सही। सो अलबत्त जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स है, इसका जो मेन स्टार्ट था, मतलब जो सबसे इनिशियल एविडेंस उसे दिया था, वो लामार्क ने दिया था 1809 के अंदर। और उन दिनों में डार्विन सिर्फ मतलब कह लें कि अपनी अर्ली एज में था, मतलब उन दिनों पैदाइश हुई थी चार्ल्स डार्विन की, ठीक है, 1809 में ही उसकी मतलब डेट ऑफ बर्थ है चार्ल्स डार्विन की, इंग्लैंड में पैदा हुआ था, सही। और उन दिनों में उस टाइम जो लामार्क था वो बेसिकली वेस्टर्न इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, एक म्यूज़ियम, साइंस म्यूज़ियम था, ठीक है, फाना साइंस म्यूज़ियम, उसका वो इंचार्ज था। तो उसने खैर ऑर्गेनिज़म्स की मतलब हिस्ट्री, एवोल्यूशन, ऑर्गेनिज़म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देख के अंदाज़ा लगा के उसने थ्योरी प्रेजेंट की थी, ठीक है। और उस वक्त ये बहुत बड़ा कह लें कि एक बहुत बड़ा स्टेप था एवोल्यूशन की, मतलब उन दिनों तो ज़्यादातर जो लोग थे वो बिलीव करते थे कि शायद स्पेशल क्रिएशन है, एवोल्यूशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन फिर लामार्क ने अपना मुशाहिदात पेश किया, अपने मुशाहिदात पेश किया, उस टाइम फिर ऐसा ऐसा लोगों का बिलीव होना शुरू हुआ कि लाइक देर इज़ एवोल्यूशन, के वहाँ पर एवोल्यूशन भी है। और फिर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स के पर बात हुई कि मतलब जो एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स खसूसियात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता विरासती हो जाती है, मतलब विरासत के अंदर ट्रैवल करने लग जाती हैं, ठीक। अब इसके एग्जांपल में अगर हम कहें तो फॉर एग्जांपल हमारी जो डायबिटीज़ है, मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, डायबिटीज़ है, सिकल सेल एनीमिया है, तो एक किस्म की एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब किसी न किसी दौर में किसी मतलब ह्यूमन बीइंग को ही होगी, फिर ऐसा ऐसा वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू होगी, सही। सो लेकिन मसले इसमें तक बहुत से जो फिज़िकल कहने के जो हमारी बॉडी की अडाप्टेशन है वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, ठीक है, वहाँ पे ब्लॉकेज आ रही थी। चार्ल्स डार्विन ने इसको करेक्ट किया था, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।